हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समस्या आ रही होगी इंटरनेट एक्सप्लोर गियर अपडेट करने में। मैं एक बार आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। ये देखो, योर नीड विंडोज 7 SP1 और सर्वर 2008 R2 SP2 इंस्टॉल इंटरनेट एक्सप्लोर 2011। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम, विंडो अपडेट और चेक फॉर अपडेट। अपडेट चेक हो रहा है, तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें आ गए हैं इम्पोर्टेंट अपडेट आर अवेलेबल 34, तो इस पे आप क्लिक कीजिए इम्पोर्टेंट अपडेट पे, और ये सारे अपडेट खुल गए हैं। तो यहाँ से आप हटा दीजिए सारे अपडेट को, अब उनको सिर्फ एक करना है अपडेट। अपडेट ये करना है विंडोज 7 सर्विस पैक 1, इस पर क्लिक कीजिए आप। उसके बाद में आप ओके कीजिए यहाँ से, और यहाँ से इंस्टॉल अपडेट। तो ये अपडेट अब इंस्टॉल होगा, इसमें इसमें कुछ समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोर 11 इंस्टॉल करके बताता हूँ। इसको डबल क्लिक कीजिए, यस कीजिए और इसको ये इंस्टॉल कीजिए। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब देखिए फ्रेंड, ये इंस्टॉल हो गया, अभी रिस्टार्ट मांग रहा है कंप्यूटर को। तो ये रिस्टार्ट होते ही इसमें हमारे एक्सप्लोर अपडेट हो जाएगा। ये देखो आप, यू आर नीड टू रिस्टार्ट योर पीसी बिफोर यू कैन यूज योर न्यू ब्राउजर, योर इंस्टॉलेड इंटरनेट एक्सप्लोर 11। तो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोर 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब मैं कोई भी काम 11 में कर सकता हूँ। तो अपना ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे दोस्तों को बताएं, शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।